गाइस गुड मॉर्निंग का सो आप आई होप सब ठीक होंगे। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस आप लोग से एक बात बताना चाहता हूँ कि हम 8 या 7 दिन से हम ब्लॉग नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे काइंड मास्टर जो ऐप था जो हम उससे एडिटिंग करते थे वो ऐप मेरा कुछ प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या, उसमें अपडेट आ गया। तो हम लोग क्रोम से डाउनलोडिंग कर रखा था तो उसमें अपडेट आ गया, तो उससे हमको अब अपडेट वो हो नहीं पा रहा क्योंकि उसमें प्राइमर खोज रहा है, मतलब पैसा खोज रहा है। तो आप लोग पैसा खोज रहा था हमारे पास देंगे अब, मतलब वो चाहिए अब काइंड मास्टर से जो हम लोग एडिटिंग कर रहा था तो उसका प्राइमर हमने ले चुका है। अब उससे अब कोई एडिटिंग करके आप लोग को देंगे क्योंकि वही मेरा दिक्कत था जो 2-3 दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो अभी लोकेशन की बात करें तो अभी हम आए हुए राजगीर से, आप लोग के पास शेयर करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कुछ। तो अभी हम जाने वाले हैं घोड़ा कटोरा, जो आप लोग देखे होंगे या अभी ना भी देखे होंगे, जो आप लोग नहीं देखेंगे चलिए आप लोग को दिखाते हैं, जो देख लेंगे वो भी वीडियो देखेगा क्योंकि वीडियो ही जबरदस्त बनने वाली है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, ढेर सारे प्यार दीजिएगा, वीडियो ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और बहुत ही कठिन से हम लोग वीडियो शूट करते हैं क्योंकि आप लोग देखे और इन्जॉय ले। तो चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। डेली रेगुलर वीडियो आप लोग को देते रहूंगा, कोशिश हमारे जारी रहेगा, मेहनत हमारा रहेगा, आपको देखना सिर्फ काम है। तो चलिए चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं, जो भी होगा आप लोग को दिखाएंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग गाड़ी पार्किंग कर दिए हैं, अब चलते हैं घोड़ा कटोरा के पास और यहाँ से चलना पड़ेगा पैदल हम लोग का घोड़ा कटोरा। तो चलिए चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं घोड़ा कटोरा। और हमारे वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहे थे तो मेरा कांड मास्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, अपडेट का प्रॉब्लम आ गया था तो उसे अभी ठीक किया हूँ, मतलब 1-2 महीना बाद वो ठीक होगा। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं, रहा घोड़ा कटोरा जाने का रास्ता, तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे लिया जाता है ऑटो से, जो यही बाइक का अलाव नहीं है तो यहाँ पर से ऑटो जाता है। तो चलिए चलते हैं अब। सो गाइस फाइनली हम अब आ चुके हैं घोड़ा कटोरा के पास। ये रहा जो बैकग्राउंड आप लोग को दिखाना चाहता था। तो गाइस बहुत आप लोग हम लोग जो आए थे टोटो से आए थे, वहाँ से लगभग यहाँ की बात किया जाए तो 8 या 9 किलोमीटर होगा और वहाँ पर से हमने यहाँ पे आए हैं। और आप लोग को दिखाते हैं घोड़ा कटोरा का व्यू, जो आप लोग को दिखाते हैं। और ये रहा घोड़ा कटोरा जो आप लोग देख ही रहोगे। और बहुत मेहनत के यहाँ पे अगर बात किया जाए भाड़ा की तो यहाँ पे भाड़ा लग जाएगा, मतलब प्राइस यहाँ पे ऑटो का 100 रुपया है, एक जन का मतलब एक व्यक्ति का 100 रुपया भाड़ा है और 2 व्यक्ति का 200, मतलब जितना जन आप आ सकते हैं। और यहाँ पर बोट का मतलब चार्जिंग है 40 रुपया। तो चलिए आप लोग को बोट का चार्जिंग भी दिखाते हैं और आप लोग को जितना भी हो सके आप लोग को दिखाते हैं। और यही रहा घोड़ा कटोरा, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये रहा जो आप लोग देख ही रहे होंगे, व्यू की बात किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे दोनों पहाड़ जो मिला गया है जो आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ये रहा जो आप लोग देखिए पहाड़ दोनों मिल रहा है। चलिए आप लोग के लिए चलते हैं और बोटिंग का करवाते हैं क्योंकि यहाँ पर बोट भी, यहाँ पे बोट भी व्यवस्था किया गया है। अरे माय फ्रेंड, सो गाइस देखिए दो भाई मिले थे। तो चलिए सो गाइस चलिए आप लोग को दिखाते हैं बोटिंग करने जा रहे हैं हम लोग। और ये जो मंदिर देख रहे हैं जो बुद्ध भगवान का आप लोग दे रहे हैं टेम्पल, वो 90 फीट का। और यहाँ पे गुंजन सिंह का एक गाना शूटिंग हुआ था जो उनके बारे में हमको पता नहीं कौन सा गाना हुआ था जो हम नहीं जानते हैं, पता नहीं है वो कुछ गाना है आप लोग को जो गुंजन सिंह के यहाँ पे शूटिंग हुआ था। अब व्यू की बात किया जाए तो जबरदस्त। और यहाँ पे बिगड़ा हुआ बोट भी बाहर निकाला गया है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग देखिए व्यू, अगर व्यू की बात किया जाए तो अगर देखने लग तो सुनसान जगह आप लोग के यहाँ पे मिलेगा, मतलब इतना सुनसान जगह मिलेगा, मतलब एक गाड़ी उड़ी का कुछ मतलब कुछ का आवाज़ नहीं आएगा, क्या बताएं लफ्जों में फिर क्या बताएं। और यहाँ पे चलिए चलते अब तैयारी करते हैं बोटिंग का, चलते हैं ना। तो हम लोग बोट का इंजॉय ले रहे हैं जो आप लोग देख ही रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, इंजॉय आ रहा है। सो गाइस आप लोग के बात यही बोलूंगा कि आप लोग भी आइए। यहाँ पर थोड़ा सा 100 रुपया भाड़ा लिया जाता है, 40 रुपया बोटिंग चार्ज लिया जाता है और 10 रुपया एंट्री फीस लिया जाता है। तो बात करें तो 150 रुपया यहाँ पर खर्चा एक व्यक्ति पर पड़ता है। तो आइए और आइए इंजॉय लीजिए। और एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर यहाँ पे बात करें तो व्यू का ही बात ज्यादा करके कहूँगा क्योंकि व्यू बहुत जबरदस्त आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त। और ये मंदिर देखिए बुद्ध भगवान का जो आप लोग देख ही रहे होंगे,
सो गाइस यहाँ पे बैठने का सुविधा दिया गया है बोट का, यहाँ पे आप लोग बैठ भी सकते हैं आकर और यहाँ पे बैठिए उठिए, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी जगह यहाँ पर दिया गया है। तो ये रहा यहाँ पे सब चीज़, बिस्कुट विस्कुट सब चीज़ मिलता है, सब चीज़ मिलता है यहाँ पे, और सब चीज़ का सुविधा दिया गया है, बैठने उठने खाने पीने का व्यवस्था दिया गया है। तो आप लोग आइए, खाने पीने की व्यवस्था दिया गया है। तो ये रहा घोड़ा कटोरा का सीन जो आप लोग देख ही रहोगे, आप लोग को अच्छा खासा देखने के लिए सीन मिल रहा होगा। ये बुद्ध भगवान का मंदिर जो आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, वो बुद्ध भगवान का मंदिर हुआ है भाई। सो गाइस बहुत ही मजा आया हम लोग को टूर करने में, क्योंकि ये घोड़ा कटोरा जो है जगह का नाम, जो बहुत ही मस्त है, क्योंकि यहाँ पे हवा हुआ सब चीज़ लगता है, अच्छा लगता है, कूलिंग के जैसा लगता है। यहाँ पे पानी बीच में है तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और घूमने में बहुत अच्छा लगता है। और एरिया की बात की जाए तो बहुत ही सुनसान एरिया है और अच्छा भी लगता है कि नहीं कुछ जगह पर आए हुए हैं। और ऐसा ऐसा जगह पर आकर घूमना चाहिए जो राजगीर का भी ग्लास ब्रिज यहाँ पे राजगीर में उपलब्ध है, जू सफारी उपलब्ध है, बहुत राजगीर में टूरिस्ट जगह बना दिया गया है। तो आप लोग अगर दूर के आदमी देख रहे होंगे तो आप लोग जरूर राजगीर आइएगा घूमने के लिए, क्योंकि राजगीर में बहुत सारा चीज़ घूमने लायक बना दिया गया है। तो आप लोग आइएगा, और अभी हम घोड़ा कटोरा के पास शूटिंग कर रहे हैं वीडियो। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, ढेर सारे प्यार दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत, टेक केयर।